बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज मैं जो नुस्खा लेके आया, दोस्तों जिन दोस्तों के कबूतर बाजियां मारने लग जाते हैं, धुंध पड़ जाती है, ये उन दोस्तों के लिए ये नुस्खा है कि कबूतर जब पहले बहुत ज़्यादा परवाज़ देता है, अच्छा भी कबूतर होता है, लेकिन ख़राब हो जाता है, कबूतर बाजियां मारने लग जाता है, पानी पी जाता है या कोई और मसला बन जाता है, लेकिन उसको धुंध पड़ जाती है और वो बाजियां मारने लग जाता है, बहुत ज़्यादा बाजियां मारते हैं। कुछ दोस्त बहुत परेशान होते हैं कि उनका कबूतर वही उनकी छत पे होता है उड़ने के लिए, लेकिन उसको धुंध पड़ गई होती है, तो उसको कैसे ठीक करना है, आज मैं आपको मुकम्मल तफसीलात इसी वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों सब दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, वो दोस्त मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। भाई सबसे पहले आपने एक मुनक्का लेना है, मुनक्का बड़ा मुनक्का होना चाहिए, उससे बीज निकाल लेने हैं। उस मुनक्के को आपने तलना है देसी घी में, एक चम्मच देसी घी ले लेना है, फ्राई पैन में उसको तलना है, हल्की आंच पर उसको तलना है, जलाना नहीं है, काले रंग का नहीं करना, उसको सुरख सुरख जब हो जाए तो ऊपर से उतार लेना है। मुनक्का तलने के बाद भाई आपने सुंड लेनी है, सुंड कितनी लेनी है, जितना मुनक्का है इसके हम वज़न सुंड ले लेनी है, सुंड पीसी हुई होनी चाहिए, पीसी हुई सुंड जितना मुनक्का है इसके हम वज़न लेकर इन दोनों को इतना मस लो कि ये आपस में जज़्ब हो जाए, सुंड मुनक्के में जज़्ब हो जाए, जब जज़्ब हो जाए इनकी गोलियां बनानी है, जितनी काली मिर्च है ना इससे थोड़ी सी बड़ी, काली मिर्च से थोड़ी सी बड़ी गोलियाँ बना लो। और गोलियाँ बनाने के बाद एक और चीज़ आपने अदरक लेनी है, अदरक का पानी निकालना है, एक सीसी पानी अदरक का ले लेना है। ये कब देना है ये मैं आपको बताता हूँ कि कबूतर को आप दाना पानी दे दो और कबूतर को जो कुछ खिलाना है खिला के आपने खुड्डे में बंद करना है, लेकिन तकरीबन रात 10 बजे आपने ये गोली देनी है उसको, गोली के बाद अदरक वाला पानी 1 सीसी पानी, 1 सीसी पानी कबूतर को देकर बंद कर दो। सुबह उड़ाना कैसे है आपने, जब धूप निकल जाए 8 या 9 बजे, कबूतर साथ में नहीं छोड़ना, अकेले इस कबूतर को बाहर निकाल के उड़ाना है। 8 या 9 बजे जब धूप निकली हो अच्छी खासी, उस वक्त इस अकेले कबूतर को उड़ाना है। ये लगातार 1 हफ्ते तक ये नुस्खा कीजिए, इंशाल्लाह आपका कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और अपनी परवाज़ दोबारा अपनी परवाज़ पे चला जाएगा, आपका कबूतर ये धुंध जो आप बाजियां मारता है ये छोड़ जाएगा करना। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और सब दोस्तों से दोबारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो दोस्त मेरे पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए तो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। अल्लाह ने